दिन स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अंडर ग्रेजुएट गर्ल एंड आज भी मेरे पास काफी बड़े बड़े अपडेट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कल के लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बारे में। तो अब तक आप में से मोस्टली लोगों को पता चल गया होगा कि 543 सीट्स में से बीजेपी वाली एनडीए अलायंस को 292 सीट्स मिली है एंड इसी के साथ नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, अगर एनडीए अलायंस के जो पार्टनर्स है वो इंडिया अलायंस को ज्वाइन नहीं करते हैं तो, क्योंकि इंडिया अलायंस ने जीते हैं 234 सीट्स आउट ऑफ 543 एंड बीजेपी ऑफ कोर्स सबसे बड़ी पार्टी है क्योंकि 292 सीट्स जो एनडीए को मिली हैं उसमें से बीजेपी ने अकेले 240 सीट्स को जीता है। एंड जब से ये रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद से कुछ चीजों को लेकर काफी ज्यादा बात की जा रही है सोशल मीडिया पर भी। सबसे पहले जो बीजेपी का नारा था कि अब की बार 400 पार वो पूरा नहीं हो पाया एंड इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि इंडिया अलायंस को 295 के आसपास सीट्स मिल जाएंगी, तो वो भी नहीं मिली। एंड इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज के बारे में बात हो रही है वो ये है कि एनडीए अलायंस का परफॉर्मेंस यूपी में भी काफी बुरा रहा, क्योंकि अगर यूपी की बात करें तो 80 लोकसभा सीट्स में से सिर्फ 33 सीट्स पर ही बीजेपी अपनी जीत बना पाई एंड 37 सीट्स गई अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 6 सीटें। एंड इस यूपी के रिजल्ट्स में एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज ये भी थी कि बीजेपी अयोध्या में भी हार गई एंड इस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि इसी साल श्री राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था एंड यहाँ से मोस्टली लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया था कि बीजेपी ही जीतने वाली है, बट ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट इस सीट से जीते हैं। एंड इसी चीज के ऊपर लक्ष्य चौधरी ने रिएक्ट करते हुए ये ट्वीट किया, यूपी इज नॉट सॉरी टू बीजेपी, यूपी इज अ लेसन टू बीजेपी, विधानसभा भी योगी जी के दम पे जीत पाते हो। एंड जब ये इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए तो इसके बाद ध्रुव राठी की साइड से भी एक रिएक्शन आया, उन्होंने ये ट्वीट किया, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। आप क्या सोचते हो इसके बारे में अपना ओपिनियन कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। टॉकिंग अबाउट रिएक्शंस, तो इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद ये रिएक्शन आया था नरेंद्र मोदी जी की साइड से एंड ये रिएक्शन आया था राहुल गांधी जी की साइड से। टॉकिंग अबाउट रिएक्शंस, तो इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलेनी की साइड से भी रिएक्शन आया। तो जैसे कि आप इस ट्वीट में देख सकते हो, मोदी जी को विश किया है, कांग्रेचुलेट किया है एंड यार अब इसके बाद काफी सारे मीम्स भी बनने वाले हैं। बाकी यार आप लोग क्या सोचते हो इस बार के इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में, अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना एंड ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।